लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद के साथ। रिजवान रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे पर्सनल डेवलपमेंट पे मैं पे दर पे डिफरेंट प्रोग्राम्स किए और उस हवाले से मुझे इस बात पे मजीद तकवीत मिली कि बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज और पाकिस्तान में रहने वाले नौजवान और यूथ वाकई में इसके साथ कनेक्टेड हैं और चाहते हैं इस अमल को आगे बढ़ाया जाए। आपने एक पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर फजल साहब को देखा था। डॉक्टर फजल साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं क्योंकि बड़े अरसे तक वो पाकिस्तान में एज अ फिजिशियन काम करते रहे और लोगों के मामलात को लोगों को सेहत आमा देते रहे। उसके बाद ये अमेरिका मुंतकिल हुए और वहां पे वो सेल्स के बेताज बादशाह बने और बहुत सारी आप जो टॉप क्लास कार शोरूम्स हैं मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू उनके साथ मुंसलिक रहे और बिकम टॉप सेल्समैन रहे। बहर सूरत जो हम आज उनके साथ बात करना चाह रहे हैं वो है पर्सनल डेवलपमेंट में। अपने एक पिछले प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि कैसे वो टोस्ट मास्टर के साथ और फिर जॉन मैक्सवेल एकेडमी के साथ मुंसलिक रहे, लेकिन आज मैं एक और हैसियत से उनका तारुफ कराने जा रहा हूं और इसका खासुल खास ताल्लुक हमारे पाकिस्तानी लोग जो यहाँ पे हैं नॉर्थ अमेरिका में या पाकिस्तान में है वो उनकी नई काविश वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के हवाले से। डॉक्टर फजल साहब उनके प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं और इस चाहत के साथ, उम्मीद के साथ, इस उम्मीद की किरण के साथ वो आगे निकले हैं कि मैं कैसे पर्सनल डेवलपमेंट को आम करूं उन लोगों तक जो अभी भी बिल्कुल बैक एंड में हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं डॉक्टर साहब को इस प्रोग्राम में दावत देता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम रिजवान, थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। बहुत शुक्रिया आपने दोबारा से मधु किया और वाकई मेरे लिए एजाज। सर ये एजाज तो हमारे लिए है, आपके साथ बैठक होती रहती है, मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जब से आपने ये वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी का ये शुरू किया है ये जबान ज़दे आम है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं और मैं आज आपसे थोड़ी सी ज्यादा इससे तफसील जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे नाजरीन ने इस बारे में पैगाम भेजा कि हमें मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम इससे शुरू करते हैं कि वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी का आइडिया ये आपको कैसे आया? इज दिस बेस्ड ऑन COVID-19 या इससे प्री COVID-19 से आप इस बारे में सोच रहे थे? नहीं, ये मेरा एक देरी ना ख्वाब था ये कह सकता हूँ मैं। ये मतलब COVID-19 ने उसको इग्नाइट किया क्योंकि टाइम मिल गया मुझे, वरना मैं इतना मसरूफ था कि मैं इस पर अभी जामा पहना नहीं पा रहा था। शौक शुरू से था कुछ पढ़ने का, कुछ पढ़ाने का, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का। और चूंकि एक सबक जो मैंने हमेशा से सीखा अपने बचपन से कि बी ए गिवर नॉट टू बी ए टेकर, तो जो कुछ भी जिंदगी में उस खालिक ने उस मालिक ने दिया, कोशिश ये की कि आई डोंट वांट टू बी अ रिजर्वायर, आई वांट टू बी अ रिवर, सो इट हैज टू गो थ्रू मी। तो ये तो ख्वाहिश शुरू से थी लेकिन वक्त ने और हालात ने इजाजत ना दी। पिछले 25-26 साल से आप तो जानते हैं, आप खुद नॉर्थ अमेरिका में तो खासा रगड़ा खाना पड़ता है जब हम लोग यहाँ आते हैं किसी दूसरे मुल्क से, तो वो एक सिलसिला होता है, फिर वो बच्चों की तालीम होती है, फिर उनकी परवरिश, और जब तक फिर वो पल बढ़ जाते हैं तो या तो आपकी सेहत जवाब दे जाती है या कहीं ना कहीं अकल जवाब दे जाती है। इत्तफाक से मैं थोड़ा उन खुशकिस्मत में से हूँ कि अभी तक अकल और सेहत काम कर रही है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तो इसी सूरत में सोचता था कि जब ये सारे नॉर्थ अमेरिका में जैसे आप जानते हैं बेशुमार ये जो पादरी हैं अपने चर्चेस में बड़े मशहूर, या ये जो भी थॉट लीडर बन जाते हैं अपने अपने ग्रुप शुरू करते हैं लोगों को सिखाते हैं, अच्छा वो मजहब से हटकर, यानी एक तो मजहबी प्रीचिंग होती है और एक जो होती है जिंदगी के बारे में प्रीच करना कि जीना कैसे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो इतना कामिल मजहब भी है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन सबसे बुनियादी चीज है कि हमें कोई जीना नहीं सिखाता, मरने के बाद क्या होगा इसके मंजर सब दिखाते, और हमें अल्लाह ताला ने कोई काम खामखा तो नहीं किया ना। 7.1 बिलियन जो इंसान जमीन पे आज भी मौजूद हैं, उतारे जो सांस ले रहे हैं, वो इसलिए तो नहीं भेजे कि बस उनको मरना ही है सिर्फ,
उनको जीना भी तो है ना। तो मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जाए जिसमें मैं लोगों तक, अपना ही नहीं अपने तमाम ऐसे साथियों का जो मेरे हम ख्याल हों, ये पहुंचा सकूं कि जीना कैसे। हाँ और अगर आपने जीना सीख लिया तो मौत तो वैसे ही खुशाई आपकी ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि आपने अच्छे काम किए होंगे तभी तो अच्छा मिलेगा ना आखिरत में। हम लोग आखिरत में के चक्कर में जिंदगी ना जिए तो ये तो नाइंसाफी है, और बल्कि मेरे नज़दीक बेईमानी है कि आप जिए ही नहीं और आप कह रहे हैं कि जी। तो मेरा ख्याल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्या हुआ कि COVID-19 में वक्त भी मिल गया, और मुझे चूंकि टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, मैं बैठता था कंप्यूटर पे, कुछ ही तजर्बे कर रहा था कैसे चलाना है, फिर किसी ने कहा जूम इस्तेमाल कर लें, किसी ने कहा स्ट्रीम यार्ड इस्तेमाल कर लें, तो वो मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं दो लेक्चर डालूं ऑनलाइन, तो मैंने फिर वो दो लेक्चर्स दिए कोविड के हवाले से, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील किया जाए। जी अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर एक साहब ने मुझे अप्रोच किया, फिर वहां पे बात चली थिंक एंड ग्रो रिच की, जो दुनिया की मार्कतुल आरा किताब है। तो मैंने जी कहा हाँ, ये तो मैंने बड़ी तफसील से पढ़ी और पढ़ता रहता हूँ और मेरी बड़ी पसंदीदा है, तो फिर मैंने उस पर लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर दिया। वो फिर इस तरह से लोगों में वो मकबूल होता चला गया। तो उसी दौरान मेरी कुछ कोलीग्स थी जो जॉन मैक्सवेल ग्रुप में मेरे साथ थी, क्योंकि मैं उनका भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, तो वो भी इसी कश्मकश में थी कि क्या किया जाए इस वर्चुअल दुनिया में। तो हमारी कुछ थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग की और हमने सोचा कि क्यों ना हम एक नया प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करें जो फिलहाल तो वर्चुअल हो, फिलहाल ऑनलाइन हो, लेकिन आगे वाले दिनों में ऑफलाइन भी हो, राइट, और ऑन साइट भी हो, हम उसको उस हद तक ले जाएंगे। तो फिर हमने इसकी बुनियाद डाली वर्ल्ड वाइड सक्सेस अकेडमी की। तो ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड है, लेकिन चलें आगे, फिर जो आपके सवाल हैं मैं उनके जवाब दूंगा। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि यू हैड दैट इंटेंशन ऑलरेडी, और फिर आपने देखा ऑलरेडी आपको रिस्पांस आया जो आपने लेक्चर्स डाले स्पेशली जिंदगी जीने के हवाले से, और मैं इसका मोतरफ हूँ कि राइट नाउ व्हाट यू आर देयर, और फिर आप आगे उस पर चलते हैं। तो आप अब कैसे समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी, मैं पाकिस्तान के हवाले से कर रहा हूँ क्योंकि आई नो आप दुनिया के बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक में पहुंच रहे हैं, लोगों से रवाबित हैं, वहाँ पे लेक्चर्स भी दे रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से आपके जो आप समझते हैं कि वी कैन मेक अ डिफरेंस, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि आप कैसे डिफरेंस देंगे? इज इट फ्रॉम ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, किस हवाले से आप समझते हैं कि वाकई में एक तब्दीली आप ला सकेंगे? देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है रिजवान भाई। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस कर रहे हैं, सब क्योंकि मैं तो वर्ल्ड वाइड एकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ बहरहाल, लेकिन चलिए हम क्योंकि अपनी जो हमारी मदरलैंड है उसके बारे में बात करते हैं। 220 मिलियन लोग रहते हैं इस मुल्क में, ठीक है, और ये जो इंडस्ट्री है जिससे मैं और आप ताल्लुक रखते हैं, यानी कोचिंग, ट्रेनिंग, स्पीकिंग और ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, ये बहुत थोड़े से हैं वहाँ, और जो हैं भी तो वो फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आम दर्सगाहों में कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई फिजिक्स, कोई, लेकिन कोई कोई उनको वो सॉफ्ट स्किल्स की तरफ नहीं ले जा रहा है। देखिए, जिसे बड़े खूबसूरत लोग हैं वहाँ में, मतलब जो मेरे दोस्त भी हैं और मैं उनके बड़ा एहतराम भी करता हूँ, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल हो जाए, माशाल्लाह, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। फिर लोग चाहते हैं कि जी वो लोग फाइवर के चैम्पियन बन जाएं, वर्कफोर्स में छा जाएं, फ्रीलांसर बन जाएं, डिजिटल मार्केटर बन जाएं, सारे बन जाएं। मैं कहता हूं भाई ठीक है, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमें बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ बनना है, पहले वो बनिए तब ये सब कुछ होगा, और वो है आपका माइंडसेट चेंज। ठीक है, जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है, बार बार कहा है कि मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो या जो तुम्हारी ख्वाहिश है, मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम होते हो। तो पहले अपने जहन को तो बदलिए, अगर आप पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो लोगों में पहले खुशहाली की लहर दौड़ाइए, लोगों को इस काबिल बनाइए कि वो खुशहाल होके सोचें, उनकी जहनियत को मिलियनर बनाइए ना पहले। तो मेरा ये मिशन है कि मैं, हाँ, इंशाअल्लाह वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी और अपने जाती हैसियत में भी इस प्लेटफॉर्म से माइंडसेट चेंज पर बात करता रहूंगा
और डटा रहूंगा और आप जैसे दोस्त मेरे साथ आते रहेंगे और हम लोग मिलकर एक पूरी फौज तैयार करेंगे जो कामयाब जहन रखती हो। कामयाबी सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, एक जहनियत का भी तो नाम है ना। जब आपकी जहनियत ही कामयाब होने वाली नहीं है, अगर आपने पहले से ही फैसला कर लिया है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ ये मजबूरी है, हम पाकिस्तानी हैं, हम तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास कॉलेज नहीं है, हमारे पास डॉक्टर फजल और रिजवान रशीद वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका में, ये सब बकवास है भाई। आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को आज जहां भी हैं, जिस जगह बैठे हैं, हम आपसे 10,000 मील दूर से इस वक्त मुखातिब हैं, इसी तरह आप पूरी दुनिया से जहां बैठे हैं वहां से मुखातिब हो सकते हैं और अपनी सलाहियत को बरूए कार लाते हुए कामयाब हो सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन आपने बात की और मैं इसका बिल्कुल तायीद करता हूं कि इट इज पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन दिस। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये भी मानेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से, अगेन मैं आपको एक लिमिटेड बता रहा हूं क्योंकि आई थिंक हमारे जो प्रोग्राम का वो ज्यादा उसमें पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो उनके साथ ताल्लुक है, तो इस सूरत में आप जो जो ऑलरेडी देखते हैं पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकिंग और हर बंदा कोच बना हुआ है, इससे आप कैसे उनको बावर कराएंगे कि हु व्हाट इज द रियल डील, वेयर दे आर गेटिंग द रियल वैल्यू ऑफ इट? ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है और बहुत वजनी सवाल है, क्योंकि वो कैसे हम बावर कराएंगे कि रियल डील क्या है जी? वो भाई चूंकि रियल लोग अब तक जा ही नहीं रहे तो वो कहां से देखें। देखें ना, दुनिया में लोग आज के दौर में विजुअल हो चुके हैं। देखें, कोई यूट्यूब पे बैठा देख रहा है, कोई गूगल पे बैठा देख रहा है, अब वो लोग सुनने वाले या पढ़ने वाले ज्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन कम है। तो विजुअल तो वही होंगे जो नजर आ रहे होंगे। अब जो वो कोविड के बाद जो एक हवा चली है, जिसे देखो वो मोटिवेशनल स्पीकर है, 12 साल का बच्चा भी मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है, जिसकी अम्मा ने उसे डांटा, वो उसको गुस्सा आया, उसने मोटिवेशन शुरू कर दी, वो एक अलग मसला है। हमें मसला ये है कि लोगों को तो अभी ये पता ही नहीं है ना कि भाई है क्या। तो आप रियल डील्स जो तभी पता चलेगी जब रियल लोग उनके सामने बोल रहे होंगे, उन्हें समझ आएगी। तो हम और आप जैसे लोगों की ये और जिम्मेदारी बढ़ गई है इसके बाद, कोविड के बाद, चूंकि लोगों का रुझान तो हुआ इस तरफ जी जी, लेकिन अब उनके पास रास्ता नहीं, अब रास्ता दिखाने के लिए तो कोई आए। हम और आप जैसे लोगों को इस मैदान में कूदना पड़ेगा, खासतौर पे पाकिस्तान के फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान के इस मैदान में हमें कूदना पड़ेगा कि हम उन्हें बता सकें कि भाई ये मोटिवेशन और ये इंस्पिरेशन में फर्क क्या है। सही है, ठीक है। मोटिवेशन हम बचपन से देख रहे थे, मदारी लगाते थे एक मजमा और वो बड़ा आप आदमी को उकसाते थे और फिर उसके बाद बांध देते थे, हाँ, और फिर उसके बाद वो मंजन चूरन बेचते थे और आपकी जेब से किसी न किसी तरह से पैसे निकाल के वो चल देते थे। तो ऐसे तो भाई बेशुमार है ना, पाकिस्तान तो बल्कि माहिर है चीजों में, हमारे लोग 2 नंबरी काम करने के तो मास्टर है ना। लेकिन असल चीज तो ये है ना कि आप इंटेग्रिटी से, ऑनेस्टी से और जायज तरीके से लोगों को वो पहुंचाएं जिसका आप वादा कर रहे हैं। सही सही। और फिर आप अपनी भी रोजी कमाएं और उनको भी कमाने के रास्ते दिखाएं। बिल्कुल सही। मैं एक और सवाल है, लेकिन इससे एक जमनी सवाल, क्योंकि जाहिर है वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी है ना सिर्फ पाकिस्तान से, सो आप यहाँ पे बताते चले हैं आप किन कंट्रीज में इस वक्त तक हैं और कौन से टारगेट कंट्रीज इन फ्यूचर होंगे? डॉक्टर साहब देखें, हर हफ्ते ही कमोबेश एक मुल्क का इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त बातचीत चल रही है हमारी, हम तकरीबन 11 ममालिक तक तो हमने अब तक रसाई हासिल कर ली है, और मेरा जो अपना टारगेट था कि साल के आखिर तक 25 ममालिक में कम से कम हम शुरू करें, और 2021 के अख्तितम तक मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं, अगर सेहत ने और ज़िंदगी ने इजाज़त दी तो मैं इसे 100 से ज़ायद ममालिक में ले जाऊँगा। और हम कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हर जगह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम मिडिल ईस्ट के तकरीबन हर दूसरे मुल्क में जा चुके हैं अब तक, फिर उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, इन सब में हम पहुंच गए हैं, दुबई, जॉर्डन, कतर और सऊदी अरब, यहाँ पर हम शुरू हैं, कनाडा आप जैसे दोस्तों में मिल गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमें बड़े अच्छे दोस्तों ने रिस्पांस किया है, फिजी आइलैंड में मेरी बातचीत चल रही है, उसके साथ साथ वर्जिन आइलैंड में, यूके में हम
रोजाना कहीं ना कहीं कोई काम चल रहा है। अब यह है कि कुछ बहुत कमिटेड लोग हैं, कुछ थोड़े से अभी गेटिंग स्टार्टेड विद, मतलब अभी शुरू हो रहे हैं, तो कुछ को मोटिवेशन चाहिए, मगर मोस्टली लोग ऑलरेडी इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं और दे आर रेडी टू गो। तो इनशाला मैंने कहा ना कि हमारा प्लान यही था कि 2021 का आगाज़ बड़ा भरपूर होना चाहिए हमारी WSA का, जिसमें अब चंद दिन रह गए, तो अब हम उस पर काम कर रहे हैं बड़ी तेजी से। इनशाला आप देखेंगे कि नई शक्ल। और नाजरीन, ये मैंने इससे लिए आपको बताया कि ये आपकी दिलचस्पी का सामान होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी 100 से ज़्यादा ममालिक अगले साल में जा रही है, वहाँ पे कंडक्ट कर रही है। उसके साथ आपका क्या ताल्लुक बनता है? उसके साथ आप कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं? उसके साथ आपका फाइनेंशियली कनेक्शन क्या हो सकता है? ये अभी आप सुनते रहिए प्रोग्राम, इसमें हम रिवील करने जा रहे हैं कि कैसे कनेक्टिंग। डॉक्टर साहब, मैं पाकिस्तान के हवाले से, जो मेरा अपना भी तजर्बा है कोचिंग और ट्रेनिंग के हवाले से, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे हैं कि यूथ को वो इंस्टेंटेनियट फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के अभी इसे रिजल्ट हो जाए, तो जो आप माइंडसेट की बात करते हैं, शायद उनके लिए मुश्किल है हजम करने, क्योंकि वो तो कल पैसे बनाना चाहते हैं, आज वो फाइवर पे एक गिग डालेंगे या वो कहीं भी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग, वो कहते हैं कल से पैसे बनना शुरू हो जाए, तो माइंडसेट टू टेक टाइम इन ऑर्डर टू डू सो। तो आप इसके साथ उनको कैसे ये बावर करा सकेंगे, या आपकी ट्रेनिंग में ऐसा पॉसिबल होगा कि वो ट्रेनिंग लेके दे विल स्टार्ट अर्निंग मनी? देखिए, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये हम में भी थी, जब हम उस उम्र में थे तो हम भी चाहते थे कि कितनी जल्दी ये काम हो जाएगा और कितनी देर लगेगी, ये हमेशा हमारे जहन में भी आता था। ठीक लेकिन फिर जिंदगी की खिचकोले जब खाए, अच्छे ऊपर नीचे गए, ऊंच नीच देखी, उतार चढ़ाव देखे, तो फिर हमने बहुत कुछ सीखा। और उस सीखने में सबसे बड़ी चीज जो मैं सीखा था वो ये था कि बजाय ये सोचने के कि मैं कितनी जल्दी ये पा लूंगा या कितना इसमें कमा लूंगा, मैंने सिर्फ ये सोचना शुरू किया कि कितना आगे मैं चला जाऊं, कितना आगे मैं इसमें जा सकता हूं। तो जब मैंने अपनी मंजिल का तायुन जरा सा मुख्तलिफ कर लिया, हालांकि देखिए दौलत, शोहरत, इज्जत, ये सारी बाय प्रोडक्ट होती, जी ये कोई बुनियादी चीजें नहीं होती जिनको आप चेस कर रहे होते। जी आप अपना ख्वाब बड़ा कीजिए, डेस्टिनेशन को बड़ा कीजिए, तो जब बड़ी डेस्टिनेशन को, जब आप चांद को छूना चाहते हैं तो आसमान की सैर तो खुद ही कर लेते हैं यार, फिर तो दौलत शोहरत तो आपके साथ साथ आ जाती है, कि आप आसमान को तो वैसे ही छू लेते हैं जब चांद की ख्वाहिश हो। तो आप, मैं ये माइंडसेट बनाना चाहता हूँ हमारे नौजवानों का ही नहीं, हर शख्स का उस मुल्क के। हमारे यहाँ एहसास कमतरी को इतनी बुरी तरह से लादा गया है, उनको बावर कराया गया कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कर ही नहीं सकते, तुम तो यूं हो, तुम वो। ओ भाई नहीं, किसी और की राय आपकी जात की हकीकत नहीं होती, जी सो यू डोंट हैव टू गेट द ओपिनियन फ्रॉम समवन एल्स टू मेक द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जात में, अल्लाह ताला ने आप में भी एक मार्क जकरबर्ग रखा हुआ है, आप में भी एक बिल गेट है, आप में भी एक माइकल जॉर्डन है, आप में भी अमीर से अमीर तरीन आदमी में जो खूबियां होती हैं वो दी हैं। अब आपने उसे आश्कार ही नहीं की, आपने उन्हें दरियाफ्त ही नहीं किया। तो हमारी ख्वाहिश है कि लोगों में ये शऊर बेदार हो जाए, और इंशाल्लाह हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है। इस COVID-19 में आप तो कई बार हमारी महफिल में आते ही रहते हैं अक्सर, जी तो आपने देखा कैसे नए नए लोग जिन्हें हम तो नहीं जानते, हम कभी जी मिले भी नहीं, सिर्फ जी यहीं रابطे किए और आज वो खुद कितने बड़े ख्वाब देख। तो यही तो हमें लोग चाहिए जिनके, और वो ख्वाब ऐसे ना देखें। मैं मजाकतन कहता हूँ कि देखें ख्वाब दो किस्म के होते हैं, एक ख्वाब जो देखते हैं तो उनको तो मैं ये मशवरा देता हूँ कि भाई सोते रहो ताकि ख्वाब ना टूटे, ठीक है, लेकिन ख्वाब तो वो होता है ना जो आपको सोने ना दे, तो ऐसे ठीक ख्वाब देखना शुरू कर दें ताकि आप सो ना पाए, तो फिर आप देखिए कि आपको ये चीजें नहीं परेशान करेंगी कि कितनी जल्दी होगा और कितना पैसा होगा। आपकी मंजिल उस कई गुना उससे बड़ी होगी आपके जहन में, और आपकी आंखों के सामने वो मंजर होगा। तो डॉक्टर साहब, सवाल मेरा जहन में यही आता है कि आपका बिल्कुल जबरदस्त क्लियर ऑब्जेक्टिव है, वेरी क्लियर विजन है, और आप इस बारे में पूरी तरह स्किल सेट रखते हैं और आपकी टीम में है, तो लामहाला तौर पे बहुत आसान रास्ता होता कि आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग के
बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, इंडिया, श्रीलंका, जहां भी आप जाना चाहते, उनके साथ मुंसलिक हो जाते तो आराम से ये एक वाइड स्प्रेड जल्दी हो जाता, लेकिन आपने मुश्किल वाला रास्ता चुना है, ये क्यों? देखिए, मैं ऑलरेडी दुनिया की सबसे नंबर वन जो ट्रेनिंग और कोचिंग और स्पीकिंग की प्रोफेशनल तंजीम है, मैं उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हूँ, ऑलरेडी हूँ ना, जॉन मैक्सवेल ग्रुप का, ठीक है। इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से आप जानते हैं, आप खुद भी टोस्ट मास्टर हैं, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल से बड़ी तो कोई तंजीम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी उसका डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर हूँ, DTM के एजाज हासिल कर चुका हूँ, तो वो तो मेरी अटैचमेंट्स हैं, लेकिन वहीं से तो मैंने ये सीखा कि देखिए इसको हमने किस तरह से ले जाना है उस कल्चर में जहाँ पर बड़ा मसला है। देखें हमारा कल्चर, हम कल्चरली बहुत पीछे हैं लोगों से, उसकी वजह यह है कि हमें किसी ने ग्रूम किया ही नहीं वहाँ। हमारी कल्चर तो यहाँ तक सादगी का यह आलम है कि हमें लिखना पड़ता है ठंडी बर्फ, यानी हमें बताना पड़ता है बर्फ ठंडी होती है। जी जी जी। तो अब उस जब उन लोगों को आपने, और फिर जबान का मसला था, लैंग्वेज बैरियर भी है वहाँ, देखें अंग्रेजी में ये सारी, ये फिर सबसे बड़ा मसला था माशी। देखें ये जितनी भी ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन करना बहुत सस्ता नहीं है, राइट। आप जॉन मैक्सवेल ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम से कम 20-25-30-40 लाख रुपए आपका खर्च हो जाता है, राइट। ठीक है। अब मुझे बताइए पाकिस्तान की 22 करोड़ में कितनी आबादी ऐसी है जो 25-30-40 लाख रुपए खर्च कर सकती है सिर्फ मुंसलिक होने के लिए? अभी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ साथ होने के लिए। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पे अफोर्डेबल एक्सेस हो, ठीक है, और मल्टीलिंगुअल हो, मल्टीकल्चरल हो, सही। इसीलिए उसे हमने वर्ल्ड वाइड से के नाम से ही शुरू किया कि फिर उस पर कोई एक लेबल ना लग जाए। अब जॉन मैक्सवेल को, लेस ब्राउन को, टोनी रॉबिन्स को, या जिनके भी आप नाम ले लें इस वक्त दुनिया में, ब्रायन ट्रेसी है या जो भी अच्छे दोस्त हैं मेरे, ये उन को चले जाएं, या तो मसला क्या है कि वो एक छाप लगी हुई, ये अमरीकी है, ये कैनेडियन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये ब्रिटिश है, यहाँ पर किसी पर किसी की कोई छाप नहीं है, ठीक है। हमने ये ओपन ग्राउंड दे दिया है सबके लिए, आप भी आइए, हम भी आते हैं, और भी लोग आए, अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी जबान के हिसाब से अपने अपने लोगों तक अपनी कीमत पर पहुंचाएं जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, ये फर्क है हमने उनमें, जबरदस्त। नाज़रीन, आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड जांचा, यू नो, डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज, डॉक्टर साहब के विजन के बारे में, और उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के हवाले से उसके क्या अगराज मकासद हैं, वो क्या करने जा रही है दुनिया के 100 ममालिक में, और कैसे इससे आप फायदा उठा सकते हैं। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, और अब डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि आप इस वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी में कैसे शामिल हो सकते हैं, आप इससे क्या फायदा उठा सकते हैं, इल्मी, अदबी, माइंडसेट के हवाले से, और मुआशी तौर पे आप कैसे इसके साथ मुंसलिक हो सकते हैं। तो कीप वॉचिंग लंदन लिविंग विद रिजवान, वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक एंड शेयर मोर डिटेल्स विद यू, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक, योर होस्ट रिजवान रशीद, मैं लंदन लिविंग में डॉक्टर फजल साहब के साथ हूं, और आज हम वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के हवाले से जान रहे हैं जो इस वक्त दुनिया में करीबन 11 से ज्यादा ममालिक में है, और डॉक्टर साहब ने जैसे अपने विजन के बारे में बताया कि 2021 में ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट दिस इनटू 100 मोर कंट्रीज, लेकिन ये आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, आप इसके साथ इल्मी, अदबी और माशी तौर पे कैसे मुंसलिक हो सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल अब आता है, आपने बड़ा जबरदस्त विजन डाला, आपने, यू आर फुली स्किल्ड एंड इक्विप्ड टू डू सो, अब लोग इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं, उन कोर्सेज, उन कोचेज, उन मेंटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है। देखें इसमें तीन डिफरेंट चीज़ें हमने रखी हैं जहन, ठीक। एक तो बुनियादी चीज़ है जिसमें लोग हमारे हमसे मुंसलिक हो सकते हैं, वो है मेंबरशिप, ठीक। हम कोशिश कर रहे हैं, मेंबरशिप का आगाज़ तकरीबन हमने कर ही दिया है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं,
तो जो लोग भी मेंबर बनना चाहें, एक बड़ी नॉमिनल सी उसकी हमने कास्ट रखी है, आप हमारे मेंबर बन जाइए। तो मेंबर बनने से एक तो आपको फायदा ये है कि आपको हफ्ते में कमोबेश 3 एक्सपर्ट के साथ बात करने का बराह रास्त मौका मिलेगा, ठीक ठीक है, यानी मेंटोरशिप कॉल्स होंगी। आप उस पर जाइए, अपने सवाल कीजिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करें, आप पब्लिक स्पीकर हैं तो उसका अलग मेंटोर है, उनकी कॉल पे चले जाएं, अगर आप कम्युनिकेशन पे कोई बात सीखना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे पास उनके जो मेंटोर हैं उनकी फ़ोन कॉल पे आप जा सकते हैं या जूम कॉल पे, और बराह रास्त उनसे सवाल कर सकते हैं ताकि वो आपको दे कैन वॉक यू थ्रू दैट, क्योंकि वो कामयाब लोग वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना चाह रहे हैं। तो आपको मुझे बताइए कि हफ्ते में 3 एक्सपर्ट्स तक रसाई, जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के दीगर ममालिक में बैठे हैं आपसे हजारों मील दूर, अगर आप वो उस मेंबरशिप के हवाले से आपका एक्सेस है, फिर आपको ये साथ साथ जो भी हमारे कोर्सेज आएंगे आते जा रहे हैं तो उस तक एक्सेस होगा आपका, तो आपको जरूरत नहीं है परेशान होने की कि मुझे पता नहीं चला ये कब आया और कब गया, हर चीज आपको, और आप बाकायदा उसके मेंबर होंगे। और फिर उसी में हमने दूसरा लेवल रखा है, जो फिर हम अगर आप एक तजर्बा हासिल कर लेते हैं या ऑलरेडी तजर्बाकार हैं और हमारे मेंबर हैं, हम कोशिश करेंगे आपको मेंटोर के लेवल पे ले आए, कि आप फिर अगर लोगों को मेंटोरशिप दें, ठीक है। अब मसलन अगर पाकिस्तान के जो हमारे दोस्त हैं, अब वो हमसे सीखते हैं फर्स्ट हैंड, जाहिर है हम कोशिश कर रहे हैं उनको ट्रेन करते जा रहे हैं दिन ब दिन, आपने भी देखा है। तो अब जैसे जैसे वो ट्रेन हो रहे थे, तो हमारी पहली शर्त यही होती है ना, कि शर्त यही है हमारी कि आपने दूसरों को ट्रेन करना आगे जाके, ठीक है। ये रिवर का सिलसिला होगा, रेजरवॉयर नहीं होगा कि आप बैठ जाएं लेकर एक तालाब में हर चीज को, नहीं, इसे दरिया की तरह बहाते चले जाएं ताकि हम लोगों को पहुंचा सकेंगे इल्म। तो एक तो ये है सर, बिल्कुल। मैं आपकी कथा कलामी, दिस इज अमेजिंग, क्योंकि आपने जो बताया है वो सीधी सादी खाली खुली पढ़ाई नहीं है कि आप अनदर कोर्स ले लेंगे, अनदर किताब ले लेंगे, आपने कुछ वीडियो सुन ली। आप एक्सेस दे रहे हैं मेंटर कोचेस को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने फील्ड में, अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं। दिस इज लाइक वर्थ अ होल आर ऑफ मोर। जी बिल्कुल। और रिजवान साहब, आप खुद बहुत बड़े इंस्ट्रक्टर हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, अब आपको पता है ये कितना महंगा शौक है, अगर आप जाती तौर पे करना चाहें, बिल्कुल इनफरादी तौर पे, तो मैं नहीं समझता कि मेरे या आपकी मेंटोरिंग की 1 घंटे की कॉल कोई अफोर्ड कर पाए $400 या $500 दे के, लेकिन हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हफ्ते में 3 या 4 कॉल हो सकता है, हमको आगे चल के हफ्ते में 5 हो जाएंगे हम मेंटोर्स, तो हर आदमी के पता है कि बुध के दिन जो है अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करनी है तो रिजवान साहब अवेलेबल होंगे, मैं उनसे पूछ सकता हूँ, या अगर किसी को माइंडसेट पे बात बात करनी है तो जी डॉक्टर फाज उस वक्त मौजूद होंगे फला दिन, यू आर वेलकम, क्योंकि आपके पास एक्सेस कोड होगा ना, और किसी के पास तो नहीं होगा। सही आप है। आइए हमारे से बात कीजिए, 1 on 1 बात कीजिए, और अगर दूसरों के सामने करना चाहते तो वो कीजिए। तो इस किस्म की तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे अपने मेंबर्स। वैसे हम छोटी मोटी चीजें अब आज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना ऑन लाइव शोज में, लेकिन वहां पर आपका डायरेक्ट हमसे कनेक्शन तो नहीं है, आप जी हमारी बातें जरूर सुन रहे हैं, लेकिन आपको अगर पूछना है तो फिर आइए हमारे साथ मेंबरशिप, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, सीखिए और सिखाइए, आप मेंटोर बन जाइए, आप हमारे दूसरे लफ्जों में पार्टनरशिप में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ और फिर हाँ अगर आपने कोर्सेज बना लिए, देखिए हमारे 3 कैटेगरीज हमने रखी है ना, एक तो मेंबर होंगे, सही ठीक है, फिर एक वेंडर होंगे जो हमारे लोग नहीं लेकिन अपने कोर्स बेचना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर और पढ़ाना दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें भी हम वेलकम करेंगे। ओके सो जो तो ऑलरेडी कोचेस ट्रेनर हैं जो इन ममालिक में, वो भी आपके साथ वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी में जुड़ सकते हैं। जी, तो वो एज ए वेंडर अपने कोर्सेज लाएं। अब मैं आगे चलूंगा, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्या फर्क है हम में और दूसरे प्लेटफॉर्म में। और ठीक तीसरी जो तीसरा लेवल ये है ना कि हमें अपने एम्बेसडर्स चाहिए हर मुल्क में, फिर हमें डायरेक्टर्स चाहिए, उसके साथ साथ हमें फैकल्टी पूरी हम तरतीब दे रहे हैं जो पढ़ाएगी ठीक बाकायदा। अच्छा, अब ये जहन में रखें हमारे नाजरीन कि हम वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने जा रहे जो एक आम स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, एक आम यूनिवर्सिटी में, ये वो स्किल्स हैं
जो मैं समझता हूँ तरक्की की सबसे बड़ी जरूरत है और कहीं पढ़ाई नहीं जाती। ठीक सही है, आपने सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट तो पढ़ा दी जाती है, लेकिन बिजनेस में सक्सेस कैसे हासिल करनी कोई नहीं पढ़ाता, कम्युनिकेशन कैसे करनी है कोई नहीं पढ़ाता, पब्लिक स्पीकिंग का क्या रोल होता है इंसानी जिंदगी में कोई नहीं समझाता, उसके साथ साथ जैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है लोगों को पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, वो समझते हैं बिजनेस ओनर बन गया, मैंने एक दुकान खोल ली तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, उस बेचारे को तो यही नहीं पता होता। तो ये वो सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हम लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए, उनकी सहूलत के साथ, उनकी अफोर्डेबिलिटी के साथ, और उनके दर पर, यानी थ्रू देयर कंप्यूटर्स, थ्रू देयर आईपैड्स, थ्रू देयर आईफोन्स, आप जहां भी हैं सीखते जाएं, सीखते रहें। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर आप ये स्किल सीख लें, आपकी डिग्री छुआ मास्टर्स की बजाय सिर्फ बैचलर है, लेकिन ये स्किल्स आप में हैं, आप कितने ही मास्टर्स को क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि असल चीज देखें इंसानी रवैये हैं, इंसानों से डील करना है। ठीक है, अगर आपने वही नहीं सीखा तो आपके इल्म किस काम का, उसको तो अप्लाई कैसे करेंगे। सो जबरदस्त, नाउ दिस इज मेनी फोल्ड. सबसे पहले आप मेंबर बन सकते हैं, सीख सकते हैं वर्ल्ड क्लास कोचेस ट्रेनर के साथ, कोर्सेज के साथ. उस कोर्सेज को जैसे ही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इफ यू पास दैट, आप खुद मेंटर कोच बन सकते हैं और वहां से आप अपनी एक और टीम या और पढ़ा सकते हैं, काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप बेसिस. और दूसरा ये है कि अगर आप ऑलरेडी कोच मेंटर या ट्रेनर हैं, आप अपने कोर्सेज ला सकते हैं वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में. और तीसरा आपने कहा कि पार्टनरशिप एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स, एज डायरेक्टर्स टू डिफरेंट कंपनी. सो ये तीन डिफरेंट एरियाज हैं जिनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ना सिर्फ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, बल्कि कमा भी सकते हैं. डॉक्टर साहब, मैंने सही कहा? जी जी बिल्कुल, आपके पास तीनों तरीके और तीनों रास्ते हैं, और आप जहाँ जिस तरह से भी, जिस मोड में भी, जहाँ जिस मकाम पे हैं, आप उसके हिसाब से उसे अपना सकते हैं। और देखें, इसमें ये है कि आपको दूसरी जितने भी प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, या तो वहाँ सिर्फ आप मतलब एक अननोन सी चीज़ है, सिर्फ आपने अपना कोर्स बेच दिया है, अब वो किसी ने खरीद लिया किसी ने नहीं खरीदा, वो अगर खरीदा तो पैसे मिल गए, वो यहाँ भी होगा। लेकिन आपको एक तो पहली बात तो हमारी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, आप क्योंकि हम आपको पे करना चाहते हैं, हम आपसे कमाना नहीं चाहते। ठीक है, हम चाहते हैं आप कमाएं। हाँ, उसमें जो हमारी ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी या जो भी होगी वो हम लेंगे। उसके अलावा फिर दूसरी चीज ये है कि आपको जब आप, हम अपने हर मेंबर को चूंकि बराह रास्त जानते भी हैं और जानते रहेंगे, जाहिर है जो मेंबर बनेगा वो हमारी कम्युनिटी का मेंबर होगा ना, तो हम तो उसे जानते हैं, तो हम उस सब मिलकर उसे एंडोर्स भी तो कर रहे होंगे, उसको प्रमोट भी तो करेंगे। ठीक ठीक है, ठीक अच्छा ठीक आप देखिए ना, आज के दौर में जिंदगी में अगर आप कुछ भी बेचना चाहते हैं तो आपके कहने से तो नहीं बिकता, जब तक कि दूसरे, आप क्या करते हैं ऑनलाइन जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, रिव्यूज देख रहे होते हैं जी जी वे बिल्कुल कितने लोगों के रिव्यू 5 स्टार हैं 4 स्टार है, तो आपको भी तो रिव्यूज चाहिए ना जिंदगी में, जो भी काम करना है तो ये रिव्यूज भी आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ना, क्योंकि वो लोग आपको जानते होंगे। बिल्कुल सही. डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ा जबरदस्त थ्री डिफरेंट पैनल से आपने बताया, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे. अब नाजरीन जान चुके हैं कि कैसे आप इस वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी से फायदा उठा सकते हैं, सीख के, सिखा के और कमा के. तो डॉक्टर साहब, हम इस पे आते हैं, और ये बड़ा क्रिटिकल सवाल होगा मेरा आपसे वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि यूडेमी या यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं. तो ये डिफरेंस क्या होगा कि आप जो वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोर्सेज या मेंटर्स होंगे, इसका क्या डिफरेंस होगा? देखिए, वहाँ जो प्लेटफॉर्म है वो बड़े जबरदस्त प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो चले, क्योंकि बुनियादी चीज उस प्लेटफॉर्म पे लोग इसीलिए जाते हैं कि वो बेचें अपने कोर्सेज को या जो भी बेचने जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, 50% 50% वो रख लेते हैं, फिफ्टी फिफ्टी यानी यूडेमी पे 50-50 है, और टीचेबल पे जाइए तो पहले एक फीस दीजिए मंथली, उसके बाद भी वो 40% चार्ज करते हैं,
तो वो कमोबेश 50% पे आके ठहर गई। हमारी परसेंटेज इतनी ज्यादा नहीं होगी, नंबर एक। हम कोशिश करेंगे कम से कम कास्ट हो एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि आप इनकरेज हो और ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज उस पर लाए, नंबर एक। नंबर दो, चूंकि हमारा बराह रास्त आपको हम जानते हैं, ठीक है, हमारा एक क्राइटेरिया है कि कोर्स प्रॉपर हो, और फिर आपसे हम अगर जरूरत है तो हम आपसे पहले रब्ता करेंगे, आपसे इंटरव्यू कर लेंगे छोटा सा, ताकि हमें पता तो रिजवान रशीद हैं कौन जिनका कोर्स हम प्रमोट करने जा रहे हैं। तो उससे ये होता है कि, और जब फिर हम कोशिश करेंगे कि वो रिजवान रशीद फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे आके एक कॉल लें, अगर जो उनके जो कोर्सेज ले रहे हैं वो आपसे डायरेक्ट बात भी कर सकते, हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। आप यूडेमी में, टीचेबल में और एकेडमिया जो भी आप नाम ले रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, उनमें ये सारी सहूलियात आपको नहीं मिलती। सही, आपका रابطہ ऑथर से होता ही नहीं, फिर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल तो है ही नहीं कि ये जो ऑथर है ये कितना ऑथेंटिक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका उनसे बराह रास्त रابطہ भी करा दें, ठीक, तो आपको अगर कोई सवाल आता है उनके कोर्स को लेने के बाद, उनकी किताब को पढ़ने के बाद या उनकी तहरीरों को देखने के बाद, तो आप बराह रास्त कीजिए, ठीक है, हम आपके साथ हैं उस पर। तो हमारी कोशिश ये होगी कि थोड़ा सा और इंटरेक्शन हो जाए बिटवीन ऑथर एंड द रीडर, जो बहुत कम लोग करते हैं, हम सही। नया ला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जब जो आपने सवाल बताया कि जैसे सीखने के बाद सिखाने का जो मरहला है, तो इसका मतलब है आपके कोचिंग और ट्रेनिंग में ट्रेन द ट्रेनर टाइप के कोर कोर्सेज या अपग्रेडेड कोर्सेज होंगे ताकि वो सीख सकें, क्योंकि एक तो सीखने का मरहला होता है लेकिन सिखाने एक एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है, एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ मेंटर आना। जी, अब हमारा अगला मरहला ये होगा, जो लोग मेंबर बनते हैं, अब हम अगर वो ये चाहें कि वो खुद कोच बनना चाहते हैं, वो खुद ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो हमारे हम बाकायदा कोर्सेज शुरू करेंगे, हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल कोच, ठीक है, आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए। मैं जैसे अभी हम शुरू कर रहे हैं हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर, सही सही, ठीक है, अब वो 26 हफ्ते का मैं कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, आप 6 महीने मेरे हमसे जुड़े रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और जो हम बता रहे हैं एक्सरसाइजेस कीजिए और मीटिंग्स अटेंड, हफ्ते में 1 घंटा आप दीजिए, तो आप 26 हफ्ते में इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी स्टेज पे खड़े होके और अपना पहला लिफाफा ले लें, पेचेक, जो भी चेक है वो, शायद मुझे नहीं पता उसका अमाउंट क्या होगा, ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इस काबिल हो जाएंगे कि कम से कम आप खड़े होके प्रोफेशनली बात कर सकें। देखिए, बहुत सारे जराए हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से टोस्ट मास्टर का मैंने जिक्र किया, अब वहाँ हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, लेकिन वहाँ मसला क्या है कि 5 से 7 मिनट की स्पीच होती है आमतौर पे, 7 मिनट, अब 7 मिनट के पैसे तो लोग नहीं देंगे आपको, जी सही है, तो उसके लिए कंटेंट भी चाहिए आपको, फिर आप में आपको एक प्रैक्टिस भी चाहिए कि 80 मिनट, 90 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट की नोट स्पीच जो देनी होती है आपको, आप तो खुद जानते हैं कि उसमें क्या करना होगा, मुझे कितनी स्टोरीज इंजेक्ट करनी होंगी, कितने पॉइंट्स को रेस करना होगा, तो वो सारी टेक्निक्स जो है ना, हम बाकायदा उसको प्रोफेशनली सिखाएंगे। सेम थिंग कोचिंग की हम क्लासेस शुरू करेंगे कि हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल कोच। जबरदस्त। सो इस हवाले से आपने बड़ा जबरदस्त कम्युनिकेशन के हवाले से, मैं इस चीज का बहुत दिलदादा हूँ, क्योंकि मैंने खुद कम्युनिकेशन के हवाले से ही अपनी ट्रेनिंग का आगाज किया, सीखना शुरू किया, उस पे लिया, और मेरे नजदीक कम्युनिकेशन इज द नंबर वन स्किल जो सीखी जा सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के, यू नो, जीने या कामयाबी के जीने चढ़ने के लिए। तो इसके अलावा अब मैं इस सवाल पे आता हूँ कि कौन से स्पेसिफिक स्किल सेट में आप तवज्जो देंगे? आपने कम्युनिकेशन के बारे में कहा, इसके अलावा कौन से स्पेसिफिक स्किल सेट जो वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी पे काम करेगी? बड़ा ही खूबसूरत सवाल है ये, मतलब मैं तो चाह रहा था कि अब आप करें। देखिए, सबसे दुनिया में 2 बड़ी स्किल्स है जिसे जानना और सीखना जरूरी है अगर आप जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, और 80-90% लोग उसे उसी में मार खा जाते हैं, इसीलिए कामयाब लोगों का तनासब बहुत कम होता है। वो कौन सी 2 स्किल हैं? पहली स्किल कहलाती है पीपल स्किल, ठीक है, यानी इंसानी रवैयों की जो स्किल है। अब आप किसी भी कंपनी का ढांचा उठा लीजिए, बिल्कुल तय से लेके मिडिल तक उस कंपनी में जितने भी लोग होंगे वो स्किल्ड लोग, स्किल्स उन सबके पास होंगी, वो क्यूब्स में बैठे हुए काम कर रहे होंगे, मशीनें ऑपरेट कर रहे होंगे,
लेकिन जो मिडिल से लेके टॉप जो सबसे ज्यादा तनख्वाहें ले रहे होते हैं और बड़े से बड़े टाइटल लिए बैठे हैं, वो बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। आप देखें ना कितनी इंपॉर्टेंट। तो अब आप कहाँ होना चाहते हैं, अपर हाफ में या लोअर हाफ में? तो जाहिर है ये पीपल स्किल इतनी जरूरी है। फिर दूसरी बड़ी जो स्किल जिस पर मेरी स्ट्रेस होती है और जिस पर मेरा तजुर्बा भी है, अगर वो नहीं आपकी जिंदगी में तो आप कहीं नहीं पहुंचे, और वो है सेलिंग स्किल। सही सही अगर आपको बेचना ही नहीं आता, आप लोग कहते हैं जी मैं तो सेल्समैन नहीं हूँ, वो या भाई दुनिया में कौन है जो सेल्समैन नहीं है? बिल्कुल सही है। देखें आप सुबह उठते हैं और जब तक रात में दोबारा बिस्तर पे लेटते हैं आप कर क्या रहे होते हैं? सेल तो कर रहे होते हैं। एक वकील जो अदालत में जज के सामने चीख चीख कर दलाइल देता है अपने मौक्किल के लिए, क्या कर रहा होता है? या एक बच्चा जो आपके ऑफिस में आता है और कहता है मुझे नौकरी की तलाश है, वो क्या कर रहा है? एक लड़का एक लड़की को कह रहा है मुझसे शादी कर लो, वो क्या कह रहा है? या तो दुनिया में सारे लोग सेल्स कर रहे हैं, सियासतदान वोट मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सेल्स तो हम कर रहे होते हैं। अब ये और बात है कि हम गैर शौरी लाशौरी तौर पर कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो अब ये दोनों जो स्किल है ना, पीपल स्किल और सेल्स स्किल, इन दोनों की जो माँ है वह है कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेट करना ही नहीं आता तो ना तो अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं ना ही अच्छे पीपल पर्सन बनेंगे। तो हमारी जो सबसे बड़ा मेरा मेरा अपना मतलब मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसमें सेल्स ट्रेनिंग होंगी। देखें ना सेल्स करना सिखा दी जाए लोगों को, फिर तो खुद ही बेच लेंगे और खुद ही पैसा आ जाएगा। जब सेल्स करना ही नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे बेचारे? तो बिल्कुल सही। हमने सेल्स पर एक कोर्सेस, हमारी मेरे फोकस है कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बहुत बड़ा फोकस है। एटीट्यूड जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, यानी इंसानी रवैये, यानी पीपल स्किल जिसे कह लें, उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ देखें लीडरशिप, एवरीथिंग राइजेज एंड फॉल ऑन लीडरशिप। या ठीक है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं जो भी काम कर रहे हैं, अगर लीडर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, वरना कुछ भी नहीं है। तो वो तो सबसे बड़ी स्किल है ना, चाहे वो आपके घर के लिए आपको इस्तेमाल करनी हो, आपकी कम्युनिटी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपके कौम के लिए, आपकी सियासी जमात के लिए, जहां भी हैं आप लीड तो आपने करना है। तो लीडरशिप मेरा जो मेरा जाती जो मौजू है जिस पर मैं ज्यादा बोलता हूँ सिखाता हूँ वो है लीडरशिप स्किल। फिर उससे बढ़कर पर्सनल ग्रोथ है, सेल्फ डेवलपमेंट। सही देखें इंसानी जात के जो अंदर अंदर जो पहलू हैं हम उनको ही नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे वो उसकी मुख्तलिफ कवानीन है जो सीखने चाहिए इंसान को। अब लॉ ऑफ अवेयरनेस है, जैसे इफ यू डोंट नो वेर यू आर एंड हु यू आर, हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो? तो पहले तो अपने अवेयरनेस तो पैदा करें कि आप कहाँ हैं, क्या हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये इस किस्म की सॉफ्ट स्किल्स आपको। फिर उसके साथ साथ बहुत से दूसरे काम हैं जो हमें सिखाने होते हैं जिसके लिए हम आगे चले। जैसे अब एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बिजनेस ओन कैसे किया जाता है, स्टार्टअप कैसे किया जाता है, ये सारी स्किल्स हैं। देखिए ये क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती है सारी बातें। बिल्कुल। तो ये सब हमारे फोकस होंगे। तो डॉक्टर साहब ये तो जबरदस्त, यू नो, आपने जिन पांच चीजों का जिक्र किया, कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, ये सब चीजें तो बहुत ही मेरा ख्याल जामे हैं, और इसके अंदर और सी सब कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि मेरा ख्याल है यूथ में, इनफैक्ट जो भी प्रोफेशनल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप, के कैसे इन लोगों को या यूथ को या जितने लोग हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के जाना चाहते हैं, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस ओनर्स एंड द एंटरप्रेन्योरशिप के कैसे उसमें जाना चाहते हैं, दीज आर एन ऑसम ऑसम आइडियाज, एंड आई एम श्योर दिस इज कमिंग टू फ्रूशन, दैट मेकिंग अ डिफरेंस इन अ ह्यूज एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी बैठक बड़ी पॉपुलर है, आप वीक में आई बिलीव 2 दफा टाइम देते हैं, तकरीबन 2 घंटों से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, यू ओपन अप द फोरम, लोगों को दावा देते हैं। सर उसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि बीइंग अ बिजी पर्सन, बीइंग अ मेंटर, अ क्वालिफाइड कोच, जो कि हजारों डॉलर पर आवर के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, ही इज ओपनिंग अप हिज ओन पर्सनैलिटी, हिज ओन टाइम टू गिव गाइडेंस एंड एडवाइस टू द पीपल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा सखाफत मेरा इस दौर में, एक पैसे की सखाफत होती है, एक नॉलेज की आप वो उसमें दे रहे हैं। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
देखिए, वो क्यों कर रहा हूँ उसकी तो बड़ी सादा सी वजह है कि उम्र के इस हिस्से में आप पहुंचे हैं रिजवान भाई, मैं के डिपार्चर लाउंज में बैठे हैं, पता नहीं कब फ्लाइट अनाउंस हो जाए। अल्लाह हु अकबर सर, ऐसे ना कहे। नहीं, लेकिन इंसान है, सबको जाना तो है ना अल्लाह की तरफ, तो मकसद यह है कि लेकिन जाने से पहले एक ख्वाहिश है ना कि थोड़ी सी लेगेसी हो और जो सीखा है उसे सिखा जाए, अपने साथ लेके ना मर जाए। तो एक तो ये बहुत बड़ी मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो शोहरत इज्जत काम दौलत देनी थी वो बहुत नवाज दिया है, ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं कुछ ना भी करूं तो जी सकता हूं, लेकिन मसला ये क्या है, वो मेरा मेरा तो अपना उसूल है, बचपन से ही मैं कहता था और मेरे दोस्त आज भी हंसते हैं उस बात पे कि मेरी जिंदगी का एक ही स्लोगन था कि जिंदा रहो तो जिंदों की तरह रहो, और जिंदगी मतलब जीना जो है वो जिंदगी के साथ होना चाहिए, सही मुर्दगी के साथ नहीं। हमारे यहाँ तो अक्सरियत मुर्दा है ना, बस जी रहे हैं लेकिन है वो मुर्दा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए। तो एक तो ये है, फिर आपका जो दूसरा नुक्ता था कि ये जो बैठक का आइडिया इस तरह से था कि मैंने सोचा कि चले लोग झिझकते हैं आम तौर पे, तो उनकी झिझक दूर की जाए, वो आए खुलकर बात करें, अगर कोई सवाल है तो हम उसका जवाब दें, और अगर मुझे नहीं आता तो उस बैठक में और लोग भी बैठे हों, जैसे कि हमारी कल्चरल रिवायत होती है शाम में महफिल जमाते थे, गाँव में भी शहरों में भी बाहर बैठ के सब आपस में बातें कर रहे होते थे, और उसमें किसी भी मौजू पे बात हो जाती थी, उसमें पड़ोसी के घर क्या पकाया से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत तक के तबसरे होते थे और होते हैं आज भी। तो हमने सोचा इसी किस्म का एक इन्वायरमेंट दे दिया जाए ताकि लोग आते हुए शर्माए नहीं, घबराए नहीं, और लोग आने लगे और माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद आती है। तो वो हर पीर और बुध की शब हम पाकिस्तानी रात के 10 बजे से 12 बजे तक वो महफिल रखते हैं, लेकिन हम आगे चलकर शायद उसमें से एक को कम करके उसकी जगह में एक नया शो लेकर आ रहा हूँ। अच्छा हमारी एक हमारी एम्बेसडर हैं वो होस्ट कर रही हैं, मेमुना गुलशन, और उसमें मैं ये करूँगा कि मैं जवाब तो दूंगा सवालात के ही, लेकिन अब उसको हमने एक नया पैराया दे दिया, लर्न टू ग्रो रिच, अच्छा सही सही ताकि लोगों को जो आजकल ये मसला है जहनी कोविड की वजह से बड़े डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन में, तो वी विल टेल देम ए रास्ते दिखाएं कि हाउ टू लर्न टू ग्रो रिच, यानी इन हालात में भी। तो उस पर मैं बात करूंगा। बहरहाल मैं सबको दावत देता हूं, आए हमारी बैठक को ज्वाइन करें, वो सबके लिए ओपन होती है, लिंक लगा होता है, आप क्लिक करें आ जाइए, और जो भी सवाल आपके जहन में है, जी सिवाय कोशिश मेरी ये होती है कि सियासत और मजहब पर बात ना करें ताकि किसी की दिल आजारी ना हो, लेकिन उससे हटकर दुनियादारी की बातें, बिजनेस की बातें, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें, पब्लिक स्पीकिंग की बातें, कम्युनिकेशन, किसी भी और मौजू पे आप बात कर लीजिए, और कुछ नहीं है तो चले आके गपशप, अपना तारुफ कराइए ताकि लोग आपको जान लें, इस बहाने पूरी दुनिया के लोग होते हैं, उसमें मुख्तलिफ ममालिक से भी होते हैं, तो एक दूसरे को हम जान लेते हैं और बात करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश होगी जो लोग देख रहे हैं वो जरूर आएं और हमारे साथ ज्वाइन करें। बिल्कुल, मैं खुद इस महफिल का हिस्सा हुआ हूँ और बड़े अच्छे कनेक्शंस, बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे सवालात और बड़े अच्छे जवाबात नजर आए और सीखने का मौका मिला। बहुत मजा आता है और मैं सबसे गुजारिश करूंगा जो स्पेशली जो इल्म के मतलाशी हैं, जो कनेक्शन के मतलाशी हैं, वो जरूर इस बैठक में आए। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हुई वर्ल्ड वाइड सक्सेस अकेडमी के हवाले से। ओवरऑल मेरे ख्याल के मुताबिक डॉक्टर साहब ने जो एक क्वालिफाइड कोच और मेंटर की हैसियत से अपना लोहा मनवा चुके हैं नॉर्थ अमेरिका में, अब वो दुनिया में बहुत सारे ममालिक में काम करने जा रहे हैं और बिलखुसूस पाकिस्तानी होने के नाते मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ही इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन अ वेरी क्लियर वे। लेकिन आप उसके साथ कैसे मुंसलिक हो सकते हैं, कैसे फायदा उठा सकते हैं? हमने बताया कि तीन तरीके हैं। एक, आप मेंबर बन के सीख सकते हैं वो उन कोचेज उन कोर्सेज से जो शायद अमूमी तौर पे बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर होंगे, वी टॉकिंग अबाउट 10,000 मील दूरी पे, या वो रसाई नहीं होगी या वो कॉस्ट के हवाले से। नंबर दो, आप उन्हीं कोर्सेज को सीखने के बाद, एक क्राइटेरिया के बाद, आप कोच और मेंटर बन सकते हैं और लोगों की जिंदगियों में शामिल हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के
पार्टनर बन के, अगर आप ऑलरेडी कोच हैं, दूसरा जो मेन एस्पेक्ट है, अगर आप ऑलरेडी कोच और कंटेंट प्रोवाइडर हैं, आप अपना कोर्स, अपना कंटेंट वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और आपकी रीच 100 से ज्यादा ममालिक में हो जाएगी। और तीसरी बात, अगर आप एक बिजनेस माइंडेड सेवी पर्सन हैं जो चाहते हैं कि ये इल्म की चीजें दूसरों तक पहुंचाएं, या देर इज अ नीड इन योर एरिया रीजन आपके हल्का अहबाब में, तो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ ब्रांड एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी, जिससे आपके माली फायदे का भी ताल्लुक है। मोर डिटेल्स के लिए मेरा ख्याल है वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी की वेबसाइट पे डॉक्टर साहब जाएं और जी वहां जी पे इंफॉर्मेशन होगी। जी आप या तो हमें ईमेल कर दें info@worldwidesuccessacademy.com, जी या फिर हमारे फेसबुक पे वर्ल्ड वाइड अकेडमी पेज पे आप हमें भेज सकते हैं इंक्वायरी। और अब हमने एक वर्ल्ड वाइड सक्सेस अकेडमी की कम्युनिटी पेज भी बना दिया है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, आप पार्ट ऑफ कम्युनिटी बन जाइए। जी ठीक है, वो उसकी तो कोई कास्ट नहीं है ना, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं तो आपको तमाम हमारी एक्टिविटीज़ इन टाइम आपको पता चलती रहेंगी कि वेयर वी आर हेडिंग, हर चीज़ पे की इतला आपको मिलती जाएगी और फिर वहीं से आपके रबते शुरू हो सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस तरह से चाहें हमसे रबता कीजिए, बराह रास्त रबता कीजिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त का अख्तिताम हुआ चाहता है, आप क्या मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए देना चाहेंगे, अपने हवाले से, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, या कोर्सेज के हवाले से? बहुत खूबसूरत है, मतलब तो मैसेज तो बड़े लोग देते हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, बहरहाल कोशिश करता हूँ लोगों तक अपनी बात पहुँचा दूँ कि देखें अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, जो भी इस दुनिया में होती है उसका एक रीज़न होता है उसकी अल्लाह के पास। हमारी कुछ बेरारवियाँ इतनी बड़ी कि अल्लाह ताला ने हमारी रस्सी जब खींची तो एक मामूली सा ऐसा कीड़ा दे दिया जिसे कोई देख भी ना सके और उसने पूरी दुनिया को मुंजमित कर दिया। तो ये COVID-19 एक बहुत बड़ा सबक था हम सबके लिए, लेकिन वहीं पे जहां अल्लाह ताला मुश्किलात देता है वहीं पे मौके भी फराहम कर रहा होता है। तो हमें ये मौका मिला पहली बार कि हम घरों में बैठकर अपने ही अहले खाना को गौर से देख सकें, उनकी आंखों में छुपी हुई मोहब्बत को देख सकें, और वो जो उनसियत थी जिसे हम गौर ही नहीं करते थे, इतनी मसरूफियात थी दौलत की दौड़ में, शोहरत की दौड़ में, इज्जत की दौड़ में, कि हम ये अपनी जिम्मेदारी भूल चुके थे। तो उसे उसने हमें याद दिला दिया, उसने हमें ये भी याद दिला दिया कि इस वक्त जब आपके पास कोई और मददगार नहीं होता है तो आपको अपना रब और अपना खालिक व मालिक ही याद रखना होता है। तो आज हम कर रहे हैं, तो इस मौके का फायदा उठाइए। सबसे पहले अपने रब के आगे सर बसजूद होकर अपने गलतियों की माफी मांगिए और आने वाले दिनों के लिए एक जामे प्रोग्राम तरतीब दीजिए कि अब हम आने वाले वक्त में कोई भी साल ऐसा नहीं होगा जिस तरह 2020 हमारा जाया हुआ है। इंशाल्लाह हम ख्वाह घर में हों या बाहर हों, हम उसे कारामत बना दें। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें एक दूसरे से मिलजुल के, देखिए दुनिया में एक जो है वो बहुत छोटा सा नंबर है कामयाबी, नुमाया कामयाबी हासिल करने के लिए। दुनिया में कोई भी नुमाया कामयाबी किसी फर्द वाहिद ने नहीं हासिल की, नुमाया कामयाबी के लिए दोस्तों की टीम की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी टीम बनाने की कोशिश कीजिए इस वक्त में, लोगों से रबते में आइए, लोगों को, क्योंकि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, जो आपका नेटवर्क होगा वही आपकी दौलत की ताकत होगी। तो आप अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, लोगों से मिलिए, उनसे बैठिए, और सिर्फ एक आदत डाल लीजिए, सिर्फ एक आदत, सवाल, और वह है क्यूरियासिटी की, यानी सवाल करने की। सही। सवाल करें, कोई सवाल गलत नहीं होता अगर वो सही वक्त पे सही इंसान से कर लिया जाए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो सब कुछ जानता हो, लेकिन दुनिया का हर शख्स कुछ ना कुछ जानता है। तो आप हर एक से सीखने की कोशिश कीजिए और अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखें, और ये ना कहें मजाक में इसे ना उड़ाएं कि COVID-19 कुछ नहीं है, COVID-19 ने मेरे बहुत से अजीज दोस्तों की जान ले ली है। मैं जानता हूँ ऐसे हो सकता है अल्लाह ना करे आपके किसी करीबी की हो, तो इसको मजाक ना समझिए, बेशक बेशक, तो संजीदा लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ी उमदा बात की कि अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, और उसके साथ साथ आप अपने हल्का अहबाब, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे तवज्जो दें, और
क्यूरियोसिटी पे तवज्जो दें, क्योंकि सवाल, वो कहते हैं ना कि सवाल पहले आता है, जवाब बाद में आता है, तो इसका मतलब है सवाल की अहमियत ज्यादा है, उसमें करेज, उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और एक्सपर्टीज, और हमें मजीद मालूमात देने का वर्ल्ड वाइड सक्सेस अकेडमी के हवाले से आपका सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिजवान, शुक्रिया मुझे दावत देने का और ये मौका फराहम करने का कि मैं लोगों तक बात पहुंचा सकूं। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन आमीन। और ये था नाज़रीन लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, उम्मीद है आपने इस बारे में ये देखा होगा कि तारकीन वतन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो अभी भी कैसे जुड़े हुए हैं, वो अभी भी कैसे चाहते हैं अपने मुल्क, अपने पाकिस्तानियों के लिए काम करना। और ना सिर्फ ये, इससे भी बड़े एजाज की बात है कि ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इल्म को बढ़ाना चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट में, और लोगों की सोच बदलना चाहते हैं, क्योंकि इस सोच बदलने से उनकी जिंदगियां बदलेंगी। इस उम्मीद के साथ आप अपने अहले खाना के साथ अच्छे टाइम गुजारे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एज अ फिजिशियन, मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई। कीप हैविंग सोशल डिस्टेंसेस, कीप यूजिंग द मास्क, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह करते रहिएगा। इसी के साथ ही इजाजत चाहता हूँ, आपका होस्ट रिजवान रशीद साइनिंग इट ऑफ फ्रॉम लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।